आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में। बोलो भारत की पार्लियामेंट में किसी ने उस कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने उस कानून को फाड़ा था। और मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम CAA के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे और गौ भाषण दिया असदुद्दीन, चुनाव सामने है रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं। तुम चुनाव को सामने रख के इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाए आप। एक बयान आया, हुकूमत ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते, CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले। मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सीख आ जाए? क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे ना असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप, और कल अगर NPR और NRC कराएंगे आसाम में, समझाने के लिए बोल रहा हूं, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च का किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ आसाम में, 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजात के हैं, मंतू शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे
आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल्स है, पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप है, यहां पर महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जायद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। आपके दादा, मेरे दादा, हमारे परदादा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम उलेमा तो नहीं गए पाकिस्तान को? क्यों नहीं गए? क्योंकि हम उसको नहीं मानते वो कि इस्लामिक कंट्री है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। और आपको मालूम 1959 तक कानून नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट का। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे दादा और अब्बा की पैदाइश कब हुई तो बोलेगा होंगी 59-60 में, जब कानून नहीं था। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? अगर मैं यहां बोलूं हाथ उठाओ कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? जरा कैमरा घुमाओ, इतने लोगों के पासपोर्ट है तो ये प्रूफ जरूर है। जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना? गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि पासपोर्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 5% लोगों के पास। 130 करोड़ का देश, सिर्फ 5% लोगों के लिए पासपोर्ट है। आधार कार्ड किसके पास है? अब आप फर्क महसूस करो, पासपोर्ट में कम हाथ उठे, आधार कार्ड में पूरे उठ गए, उठे ना। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब यही तो मैं बोल रहा हूं। अब आप बताओ फिर क्या बताएंगे? अब आप आके बोलेंगे नहीं आप जो है अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। कहां से लेके आऊंगा मैं? कहां से लेके आऊंगा बताओ? अभी 4 दिन पहले जुल्फिकार साहब गवाह हैं, पूना से एक बच्चा फोन किया मुझे, मेरे को यह बोला कि कहां रहने वाले? हां जलाल कुचे का रहने वाला हूं,
वहां पे एक दवाखाना है, मेरी अम्मा मेरे को वहां पैदा करी। साहब अब ये CAA ला रहे लोग, मेरे को लिख के दे दो कि मैं यहां पैदा हुआ। अब आप बताओ क्या तमाशा होने वाला है, ये क्या करने जा रहे हैं। अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो बोलो NPR NRC नहीं होगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिलों में ये प्लान है, NPR NRC कराना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। अच्छा अभी एक सवाल जवाब के तौर पर गवर्नमेंट ने जारी किया और क्या लिख रहे हो मालूम आपको कि ये तीन मुल्क बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में वहां की अकलियतों को जुल्म होता है, अंग्रेजी का लफ्ज परसिक्यूशन इस्तेमाल हुआ। तो परसिक्यूशन अगर हुआ ये दीन इस्लाम के खिलाफ है और हम इस्लाम का नाम खराब नहीं होने के लिए हम ये कानून मारे। ओहो अब्बा इतनी मोहब्बत हो गई आपको, एक मुसलमान को टिकट नहीं देते और आप बोल रहे इस्लाम का नाम, बिलखिस बानों से इंसाफ नहीं किए और इस्लाम, बुलडोजर से घर तोड़ दिए और इस्लाम, बच्चों को गोलियां मार दिए इस्लाम। मेरे भाई यह है हकीकत, इसीलिए मैंने पूरी भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 MPOs के सामने उसको काला कानून कहकर उस कानून को फाड़ दिया। तो इसी वजह से फाड़ा और मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम CAA के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला BJP को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो CAA के खिलाफ है, जो NPR के खिलाफ है, जो NRC के खिलाफ है, जो भारत के आईन में कहा गया कि मजहब के नाम पे कानून नहीं बनाया जा सकता, हम जिन्होंने कानून बनाया उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आवाम उनके खिलाफ वोट देगी। क्या आप लोग तैयार हैं? अब लगाओ नारा, नारे तकबीर। अब अभी अब क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, मजलिस से खिलाफ, हैदराबाद की गयूर आवाम के खिलाफ है, इन्हें सबको भड़का था। मैं भड़काया आप लोगों को? मैं सच्चाई को बयान किया हूं, मगर मोदी जी अमित शाह RSS वालों में दिखता इन्हें भड़का रहा है। मैं सच्चाई को बयान किया हूं, हैदराबाद की आवाम कभी CAA के मानेगी नहीं, उसके खिलाफ वोट देगी इंशाअल्लाह ताला। ये और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर भी CAA के खिलाफ हैं, क्योंकि ऐवान असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी पर एक करारदाद रेजोल्यूशन पास किया गया था, सेंसस कराओ हम खिलाफ नहीं है, मगर NPR NRC अगर होगा तो याद रखो मेरी इस बात को, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबको डाउटफुल सिटीजन बना दिया जाएगा। बोला जाएगा कागज लाओ, कोई भी जाकर जिसका नाम आ गया, कोई मिश्रीगंज का है, कोई बाबा नगर का है, कोई बारकस का है, कोई बारकस के लोगों को जाके बोलेंगे ओहो तुम यमन से आए थे ना, अब बताओ तुम कहां से आए थे। तो बेचारा अरब बोलेगा मैं ये कबीले का हूं, मैं निजाम की फौज में आया था, हिफाजत करता था,
मैं गैयूर अरब हूं, तो बोलेंगे नहीं सटे लाओ कागज दिखाओ। अब उन हदरमोज जाएंगे, कोई जाकर किसी से कह देगा पठान लोगों से कहां से आए थे तुम, हमारे दादा परदादा आए थे, अब लाओ। उन्हें बोलेंगे अफगानिस्तान से जो आ रहे तुम उनको दे रहे हमको नहीं दे रहे, तो उन्हें बोलेंगे प्यारे तू मुसलमान है, तू मुसलमान है। ये इनकी साजिश है, ये इनकी कोशिश रहेगी। मेरी बात को याद रखो आप, मुझे अंदाजा है और आपको भी अंदाजा है कि आज की इस तकरीर के बाद फिर से जो शैतान तो कैद हो गया, मगर शैतान के जो एजेंट है अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। भड़काऊ भाषण दिया असदुद्दीन, चुनाव सामने है रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं। तुम चुनाव को सामने रख के, इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाए आप। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने उस कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने उस कानून को फाड़ा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको जहन नशीन करना है।